बिजली के तार लेकर चंदसुनवाई में पहुंचा आंत्राकोड़ी का किसान। कहा बिजली विभाग की 10-12 सालों से दादागिरी मनमानी चल रही है। किसान जब बिजली के तार लेकर जनसुनवाई में पहुंचा तो उसे देखकर अफसर तक हैरान हो गए। माजरा समझने के लिए किसान को बुलाया और पूछताछ की। किसान दिलीप चौधरी ने बताया कि बिजली विभाग की मनमानी गुंडागर्दी की वजह से उनकी फसल तक नहीं हो पा रही है। मर्जी पड़े बिजली देते हैं, मर्जी पड़े नहीं देते हैं। पिछले साल भी बड़ी लाइन के तार चोरी होने पर बिजली पावाखेड़ भर में मिली, तब तक फसल सूख गई। अफसरों ने साजिश करते हुए अस्थायी कनेक्शन दिलवाया, शुल्क जमा भी करवाया और रसीद नहीं दी। 2011-2015 तक बिजली नहीं दी गई, लेकिन बिल बकायदा देते रहे। अफसर को बार बार कहा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये एनकेएन प्रकरण हमेशा ही परेशान किया गया। किसान ने कहा है कि इस मामले में जांच कमेटी बिठाई जाए, एफआईआर भी की जाए। बिजली नहीं दी लेकिन दबाव बनाकर बिल भी जमा करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जनसुनवाई में जिला पंचायत सीओ शीतला पटले ने चेक करवाने का आश्वासन दिया है। किस मामले के लिए आज सर? बिजली विभाग वालों की 10-12 साल से दादागिरी चल रही है। जब मर्जी पड़ते जब बिजली देते हैं, जब मर्जी पड़ते बिजली काट देते हैं, जब मर्जी पड़ते जब जोड़ देते हैं। आज आपने यहाँ पे किस प्रकार का आवेदन दिया है, क्या मामला है? मामला ये है सर कि पिछले साल मेरे 11 KV के वायर कट गए थे, जो 16-17 दिन में इन लोगों ने जोड़े। मैंने धनिया बो रखा था, वो भी सूख गया। प्याज का बीज भी खेत में खराब हो गया।
और चार साल तक सतत, मतलब पहले बिजली नहीं थी 2011 से लेकर 2015 तक। आज आपने किसको आवेदन दिया है यहाँ पर? अभी तो कोई मैडम थे, पता नहीं क्या नाम उनका, उनको आवेदन दिया है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आपको? कुछ नहीं दिया, कल कहीं लोड और चेक करने का आवेदन दिया है, आश्वासन दिया है कि लोड चेक करेंगे, ट्रांसफार्मर चेक करेंगे, वोल्टेज नापेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। पहली बार ही आए क्या आप जन सुनवाई में? मेरे दादा मेरे 10-12 साल हो गए आते आते। अच्छा, फिर भी निराकरण नहीं हुआ? आज तक निराकरण नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन पर भी कंप्लेन डाली है, मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, बिना बिजली से बिल लेने का प्रावधान है उन लोगों के पास। आपका नाम क्या है? दिलीप चौधरी दादा।